सर मेरा नाम मोहनलाल है और मैं बदाल ग्राम जो किशनगढ़ रेनवाल तहसील पड़ती है जिला जयपुर वहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने ये 3 एकड़ में खरबूजा लगाया है और पोले हाउस के अंदर खीरा लगाता हूँ। 6 साल से कर रहा हूँ सर मैं यहाँ पे खेती। पहले तो वो खेती अपने साधारण खेती करते थे लेकिन 6 साल से अभी ये खेती कर रहा हूँ सर। अभी ये खरबूजा मैंने 3 एकड़ में लगाया है तो पहले इस पर मल्च डाली और फिर इसमें होल निकाल के बीज लगाया। खरबूजा मैं इसमें लगाने वाला हूँ और लगाने के बाद में इसको लो टनल से बिल्कुल नीचे कवर कर दिया जिससे अपनी जो ये गिलहरी है पक्षी है कोई भी बीज को नहीं निकाल पाएंगे। फिर जैसे इस बीज का जर्मिनेशन हो जाएगा तो हम इसको सरिये के ऊपर डाल देंगे लो टनल। सर इस पे 2 मीटर का वो सरिया आएगा उसको गोल करके रोप देंगे 15-15 फीट की दूरी पे और फिर ये लो टनल उसके ऊपर डाल देंगे। इसको 8 से 10 दिन अपन को ऐसे ही रखेंगे जहाँ तक बीज जर्मिनेशन होगा वहाँ तक और फिर इसको उठा के सरियों पे ले लेंगे। अब इसको डालने के बाद में दोनों साइड मिट्टी से पैक कर देंगे इसको तो ये हवा से उड़ेगी भी नहीं। लो टनल से सर हम सब्जियाँ खरबूजा तरबूज और टिंडा सीड की गोभी ये लेते हैं और इसको हम दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक इसको रखते हैं। सर ये लो टनल 25 DSM की हम लगाते हैं इसलिए क्योंकि इसमें पाला बिल्कुल भी अंदर नहीं जमता है और जो बिगर लो टनल करते हैं उससे 1-1.5 महीने पहले अपनी सब्जी मार्केट में पहुंच जाती है 1 महीने पहले तो उसका रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसमें थोड़ा स्प्रे का भी बचाव होता है क्योंकि कीड़े मकोड़े जो लगते हैं वो अंदर जाके कम लगते हैं। जैसे ओपन में ये नहीं लगाएंगे तो कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा लगेंगे और अपना बीमारी भी ज़्यादा आएगी। जैसे अपना वायरस आ सकता है वाइट फ्लाई से और फंगस लग सकती है झुलसा आ सकता है चेपा लग जाता है वो इसको ढकने से काफ़ी कम लगने के चांस रहते हैं। सर हम पहले खेती करते थे जो गेहूँ ये बोते थे कुछ सब्जियाँ भी करते थे। अब सब्जियाँ ज़्यादा करने लग गई क्योंकि पानी की थोड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर तो हमने फिर एक बरसात का पानी के लिए 1 बीघे में एक होद बनाया बरसात का और उससे अब सिंचाई कर रहे हैं सब्जियां भी कर रहे हैं अच्छी हो रही है बरसात के पानी से और पानी की कमी है उसकी पूर्ति है काफ़ी हद तक पूर्ति हो जाती है। इस जो अपना फार्म पौंड 1 बीघे का भरा हुआ है इससे हम 3 एकड़ के अंदर 1 सीजन आराम से निकाल लेते हैं और इसमें बरसात बरसती है अपने खेतों का चारों तरफ का पानी आ जाता है और इससे जो ये नाला बना रखा है उसमें से आके अपने पौंड में गिर जाता है और फिर इसको अपन मोटर लगा रखी है मोटर पंप से ड्रिप में निकाल लेते हैं और अपनी फसल को पिला देते हैं। यही कहना चाहूँगा कि लो टनल मल्च और ये फार्म पौंड से अपन उन्नत खेती करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा अपने को बेनिफिट भी होगा और बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा।